नयान उनकी तरफ जा रहा होता है कि गेयर स्पेयर उसे रोकने के लिए खड़ा होता है। वो मिजुकी से कहता है, मिजुकी नीचे हो जाओ। तासुमाकी की पावर्स 5 से देखने के बाद मेरे कंट्रोल से बियॉन्ड इमेजिनेशन मुझ में बहने लगी और उस पर मेरा कोई कंट्रोल नहीं है। मुझे उसे अनलीश करना होगा, भले ही मेरी जान क्यों ना चली जाए। गेयर स्पेयर नयान पे अपनी साइकिक पावर्स से हमला करने को रेडी होता है और हमला करता है। नयान कहता है, कैसा अटैक है, ओपनिंग से भरा हुआ। पर गेयर स्पेयर कुछ करता है कि वो अपने अटैक से टोर्नेडो बना देता है। वहीं फुबुकी को ये फील होता है। वो कहती है, मेरी बहन नहीं। गेयर स्पेयर का हमला ख़त्म होता है। गेयर स्पेयर मिजुकी से कहता है, मैंने फेवर रिटर्न कर दिया, जबकि ये बहुत डेंजरस था। गेयर स्पेयर ने जो अपने सर पे पहना होता है वो टूट जाता है और वो ज़मीन पर गिर जाता है। फुतोशी कहता है, उसने कर दिखाया, गेयर स्पेयर बहुत खूब, क्या वो तासुमाकी के लेवल का है? तभी नयान फुतोशी पे हमला करता है। वगानमा चिल्लाता है। नयान कहता है, रबल्स के क्रैक में घुसने की वजह से मैं बच गया। फिर नयान वगानमा से कहता है, लगता है तुम्हारा लास्ट ट्रम्प कार्ड अपनी पावर्स के ओवर यूज़ से खुद सेल्फ डिस्ट्रक्ट हो गया। अब तुम्हें कोई बचाने नहीं आ रहा। अब चलो मेरे साथ, मुझे उन लूजर्स के सामने तुम्हें ख़त्म करना है ताकि गेम ख़त्म हो सके। वगानमा चिल्लाने लगता है। तभी किसी चीज़ से नयान पे हमला होता है और वो वगानमा को छोड़ बचता है। वो अटैक ड्राइव नाइट का होता है। ड्राइव नाइट वहाँ आ चुका होता है। नयान बोलता है, कौन? सेकिंगर कहता है, ये तो। वगानमा चिल्लाता है, एक क्लास एस हीरो। फुतोशी वगानमा को ले भागने लगता है। सेकिंगर अपने मन में कहता है, तो तुम सेफ थे ड्राइव नाइट, इससे बढ़िया एंट्री हो ही नहीं सकती थी। ड्राइव नाइट कहता है, टैक्टिकल ट्रांसफॉर्मेशन चैरियॉट। ड्राइव नाइट ट्रांसफॉर्म होने लगता है। नयान कहता है, क्लास एस हीरोज़ कितने अजीब हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक वेबसाइट के बारे में बताना चाहता हूँ जिसका नाम है मांगा सुकी। क्या आप ऑथेंटिक मांगा ढूंढते हुए हो गए हैं परेशान? क्या आपको आपकी मांगा की डिलीवरी मिलती है लेट? क्या आप भी ढूंढ रहे हैं ओरिजिनल और लेटेस्ट मांगा, वो भी चीपेस्ट पॉसिबल प्राइसेस में? तो इन सब का एक ही जवाब है, मांगस की। इनकी वेबसाइट पे बहुत सारी मांगा अवेलेबल हैं, वो भी लेटेस्ट प्रिंटेड वर्जन, ना कि पुराने वाले। यहाँ से आप एकदम 100% ऑथेंटिक मांगा परचेस कर सकते हैं और बस 5 से 7 डेज के अंदर ही आपको आपकी मांगा मिल जाएगी। मुझे मांगस की तरफ से साकामोतो डेज Volume 1 मिली थी, जिसकी क्वालिटी काफ़ी बढ़िया थी एंड इनकी पैकेजिंग काफ़ी अच्छी है, तो आपकी मांगा डैमेज होने का तो सवाल ही नहीं है। सो किस बात का इंतजार कर रहे हैं, जाइए इनकी वेबसाइट पर और खरीदिए अपनी फेवरेट मांगा। फिर सेकेंगर ड्राइव नाइट से कहता है, अमेजिंग, ये मॉन्स्टर हार गया, बहुत बढ़िया। क्लासेस के सामने मॉन्स्टर एसोसिएशन के बिग शॉट्स भी कुछ भी नहीं। ड्राइव नाइट कहता है, नहीं, तुम्हें गलत लग रहा है, ये मॉन्स्टर बहुत स्ट्रांग था, इसे डायरेक्टली हराना मुश्किल होता। सबसे पहले तो ये मॉन्स्टर ओवर कॉन्फिडेंट था, दूसरा मैंने इसका डेटा फाइट से पहले ही कलेक्ट कर लिया था, इन रीजंस की वजह से मैं इसे ईजिली हरा पाया। सेकिंगर पूछता है, मॉन्स्टर का डेटा? ड्राइव नाइट कहता है, हाँ, मैंने काफ़ी देर तक इनकी बैटल ऑब्जर्व की। सेकिंगर कहता है, तुमने पहले क्यों नहीं ज्वाइन किया, कम हीरोज घायल होते। ड्राइव नाइट कहता है, पर अगर डेटा की कमी की वजह से दुश्मन ना हारता तो सिचुएशन और ख़राब हो सकती थी। अगर जीत की पॉसिबिलिटी बढ़ सकती है तो हमें उसे बढ़ाना चाहिए, ये हीरोज़ भी इसके लिए तैयार होंगे। सेकिंगर कहता है, वेल, पॉइंट तो है, पर मुझे एक और चीज़ पूछनी है। हम तुम्हें कॉन्टैक्ट नहीं कर पा रहे थे, आखिर हुआ क्या था? तुम 2 दिन पहले मॉन्स्टर एसोसिएशन में इन्फिल्ट्रेट करने गए थे, हमें लगा तुम मर गए। सेकिंगर अपने मन में बोलता है, मुझे ड्राइव नाइट को लेके भी शक है, चाइल्ड एम्परर ने कहा था हमारे बीच कोई गद्दार है। ड्राइव नाइट जवाब देता है, मैं दुश्मनों का डेटा कलेक्ट करने गया था, जैसा मैंने कहा कि यही मेरे लड़ने का तरीका है। ड्राइव नाइट सेकिंगर को कुछ दिखाता है। सेकिंगर कहता है, ये तो। ड्राइव नाइट कहता है, हाँ, ये उन मॉन्स्टर्स की लिस्ट है जो थ्रेट लेवल डीमन हैं या उससे ऊपर हैं, और थ्रेट लेवल ड्रैगन मॉन्स्टर्स के नेम, कैरेक्टरिस्टिक्स और बैटल स्टाइल्स भी हैं। मुझे काफ़ी सारे मॉन्स्टर्स से पूछताछ करनी पड़ी है इन्फॉर्मेशन हासिल करने के लिए, इसलिए टाइम लग गया। मुझे इन्फॉर्मेशन दूसरे हीरोज़ को देनी थी उनके अंदर जाने से पहले, पर मैं इस इन्फॉर्मेशन का ट्रेटर के हाथ में जाने का रिस्क नहीं लेना चाहता था, इसलिए मैंने तुम्हें कॉन्टैक्ट किया। सेकिंगर कहता है, क्या एक ट्रेटर, क्या तुम्हें कुछ पता है? ड्राइव नाइट कहता है, इससे पहले हम इस बारे में बात करें, मेरा एक सवाल है हीरोज़ को लेके, करंट सिचुएशन क्या है? फिर सेकिंगर ड्राइव नाइट को
उसके सवाल का जवाब देता है, जो सुन ड्राइव नाइट कहता है, ओह तो मेटल बैट और टैंक टॉप मास्टर के साथ कुछ क्लास से एंड उससे नीचे रैंक्स हीरोज भी लड़ने की हालत में नहीं है हीरो हंटर और मॉन्स्टर से लड़ने की वजह से। इसका मतलब कि अगर अभी कोई इमरजेंसी आती है तो कोई भी हीरो समय पे नहीं पहुंच पाएगा और हीरो एसोसिएशन भी वाइड ओपन है, वॉच डॉग एसोसिएशन से एबसेंट है। क्या ये वाइज डिसीजन था? सेकिंगर कहता है, अगर मॉन्स्टर मौका देख के हमला करेंगे भी तो एसोसिएशन हेडक्वार्टर मेटल नाइट डिफेंस सिस्टम से इक्विप्ड है। आखिरकार पूरी फैसिलिटी मेटल नाइट ने बिल्ड की है और इसने कहा कि इसकी डिफेंस कैपेबिलिटी पे उसे पूरा कॉन्फिडेंस है। ड्राइव नाइट कहता है, तो उसने ये बना ही लिया, तुम उस पर अंधा भरोसा करते हो। ये यही दिखाता है कि हीरो एसोसिएशन कितना फॉल कर गया है। सेकिंगर कहता है, तो जिस ट्रेटर की तुम बात कर रहे हो? ड्राइव नाइट बोलता है, हाँ मेटल नाइट डॉक्टर बोफोई। सेकिंगर कहता है, क्या तुम पे कोई सबूत है? ड्राइव नाइट कहता है, मेटल नाइट नाम का ड्रोन जो डॉक्टर बोफोई कंट्रोल कर रहा था वो मॉन्स्टर हाइडआउट में ओरोचि द्वारा डिस्ट्रॉय कर दिया गया और ऐसा हुआ उनके फाइनल बैटल के वक्त, इससे पोटेंशियल डेटा लीक हुआ। बोफोई लार्ज नंबर ऑफ रोबोट्स वेपन को एक ही ऑटोनोमस यूनिट की तरह लिंक कर सकता है। बैटल डेटा एक दूसरे से कम्युनिकेट करने से बैटल की एफिशिएंसी बढ़ जाती है एंड उन रोबोट वेपन्स के बीच मेटल नाइट बोफोई की फेवरेट मशीन है। वो इतनी आसानी से इसे जाने नहीं देगा। उस मशीन में जो वेपन्स की इंफॉर्मेशन है वो मॉन्स्टर एसोसिएशन के लिए किसी तोहफे से कम नहीं। अगर वो किसी तरह मशीन डेटा एनालाइज कर पाए और सिस्टम में हैक कर लिया तो मॉन्स्टर एसोसिएशन पर रोबोट वेपन्स का पूरा कंट्रोल आ जाएगा और इस केस में हीरो एसोसिएशन का डिफेंस सिस्टम और वेपन्स किसी काम के नहीं रहेंगे। और सिर्फ इतना ही नहीं, डॉक्टर बोफोई के मिसाइल लॉन्च कोड्स और अनमैंड बॉम्बर्स कंट्रोल पासवर्ड भी लीक हो सकते हैं। सेकिंगर ये सुन घबराया हुआ कहता है, उसे ये सब पता था पर फिर भी वो ओरोची से जानबूझ के हार गया। ड्राइव नाइट कहता है, उसका गोल था मॉन्स्टर्स को वेपन सप्लाई करना। सेकिंगर कहता है, पर वह ऐसा करेगा क्यों? ड्राइव नाइट बोलता है, क्योंकि वो एक मौका ढूंढ रहा है हीरो एसोसिएशन के कॉम्बैट फोर्सेस के कमज़ोर होने का, क्योंकि वो बुरा आदमी है। उसका प्लान है अपनी पर्सनल मिलिट्री फोर्स बढ़ाते रहना और एक दिन पूरी दुनिया पे कब्जा कर लेना और हीरो एसोसिएशन उसके रास्ते का कांटा है। सिर्फ गिनती भर लोगों को ये जानकारी पता है। सेकिंगर सोच में पड़ जाता है और कहता है, एक मिनट रुको, भले ही तुमने ये सब कहा पर तुम्हारे पास कोई एक्चुअल प्रूफ नहीं है। ड्राइव नाइट पूछता है, अगर हेडक्वार्टर्स पे अटैक होता है तो क्या तुम्हें लगता है कि नंबर वन हीरो ब्लास्ट आएगा? सेकिंगर बोलता है, ब्लास्ट नहीं, मुझे नहीं लगता, मेरे हिसाब से तो वो रिटायर हो गया है। ड्राइव नाइट कहता है, ओह ऐसा है क्या? सेकिंगर कहता है, जो भी हो मैं फ़ोन करके हेडक्वार्टर्स को बोल देता हूँ कि सिक्योरिटी टाइट कर लें। तभी सेकिंगर के हाथ पे हमला होता है और उसका हाथ कट जाता है। वो ज़ोर से चिल्लाता है। वो सामने एक रोबोट को देखते हैं जो कि मशीन गॉड G5 होता है। G5 कहता है, मैं हूँ मशीन गॉड G5। सेकिंगर चिल्लाता है, ड्राइव नाइट इसको भी हरा दो, पर ड्राइव नाइट कुछ नहीं करता। सेकिंगर कहता है, आखिर बात क्या है ड्राइव नाइट? ड्राइव नाइट कहता है, मैं हार्डली ही मूव कर पा रहा हूँ, घंटों तक लगातार ऑपरेशन और अभी लड़ी फाइट की वजह से मैंने ऑलमोस्ट अपनी सारी बैटल एनर्जी यूज़ कर ली है। सेकिंगर कहता है, हमें भागना होगा। ओए कोई है क्या, कोई है जो अभी भी फाइट कर सकता है? ड्राइव नाइट कहता है, मैं कंफर्म कर सकता हूँ कि नया ने इन हीरोज को बहुत बुरी तरह घायल किया है, ये लड़ नहीं सकते और अभी जैसी इनकी हालत है हम इन्हें यहाँ छोड़ भी नहीं सकते। क्या तुम श्योर हो कि तुम ब्लास्ट से कॉन्टैक्ट नहीं कर सकते? सेकिंगर कहता है, हाँ सिर्फ कुछ ही लोग हैं एसोसिएशन स्टाफ में जो ब्लास्ट से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, प्लस मेरा कम्युनिकेशन डिवाइस भी डैमेज हो गया है। सेकिंगर अपने मन में कहता है, सब लोगों में सिर्फ मैं ही हूँ जो अभी भी मूव कर सकता है, क्या मुझे लड़ना चाहिए? G5 कहता है, हॉस्टेज भाग गया है, तुम्हें एलिमिनेट करने के बाद मैं उसे पकड़ लूँगा। सेकिंगर सोच रहा होता है, दुश्मन अभी भी बुरी हालत में है, मेरी एग्जीक्यूटिव बीम से मैं इसे हरा सकता हूँ। तभी G5 एक नए रूप में आ जाता है जो देख सेकिंगर का सारा कॉन्फिडेंट चला जाता है। G5 सेकिंगर पर हमला करने जा ही रहा होता है कि तभी वहाँ जेनोस आ जाता है और G5 को किक मारता है। जेनोस कहता है, मुझे एनर्जी सिग्नेचर याद था। सेकिंगर हैरान होता है, G5 हार जाता है और ब्लास्ट हो जाता है। जेनोस कहता है, ये एक अपग्रेडेड वर्जन लगता है बट स्टिल मैं ज़्यादा फास्टर रेट से अपग्रेड हो रहा हूँ। फिर जेनोस सेकिंगर और ड्राइव नाइट से पूछता है, यहाँ की सिचुएशन क्या है? सीन चेंज होता है, फुतोशी वगानमा को लेकर भाग रहा होता है और भागते भागते वो पतला हो गया होता है। वगानमा कहता है, क्या आप ठीक हैं? आप अचानक वेट लूज़ कर रहे हैं।
आपको भूख लगी होगी, है ना? फुतोशी कहता है, चिंता मत करो, उसके क्लॉज ने मेरे 3 लेयर्स वाली बेली को काटा, तो एक्चुअली मैं घायल नहीं हुआ। फुतोशी की हालत बहुत ख़राब होती है, वो भाग नहीं पा रहा होता कि तभी अचानक से वहाँ जेनोस सबको लिए पहुँचता है और फुतोशी और वगानमा को अपने साथ ले जाता है। सेकिंगर वगानमा से कहता है, मेरा हाथ मत छोड़ना, हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा। जेनोस फुल स्पीड में सबको गोस्ट टाउन से बाहर ले जा रहा होता है और रास्ते में जो मॉन्स्टर उन पर अटैक करते हैं उन्हें भी मार रहा होता है। फिर जेनोस सबको लेके गोस्ट टाउन के बाहर पहुँच जाता है और सबसे पूछता है, क्या तुम सब ठीक हो? वहाँ मिलिट्री होती है एंड वो सब लोगों को ट्रीट कर देते हैं। वगानमा फुतोशी से कहता है, आपने झूठ बोला, आपको सच में चोट लगी है। सेकिंगर सिच को कॉल करता है और बताता है कि हमने वगानमा को ऑलरेडी रेस्क्यू कर लिया है, हम जल्द वगानमा को हेडक्वार्टर्स पहुँचाएंगे, सपोर्ट टीम में सब घायल हैं और डीमन साइबॉग ने भागने में हमारी मदद की, मैं डिटेल्स बाद में बताऊँगा। फिर सेकिंगर जेनोस को फ़ोन देता है। जेनोस कहता है, तुम्हें मेरे से क्या बात करनी है सिच? सिच कहता है, जो कुछ हुआ उसके बावजूद भी तुम बहुत बड़ी हेल्प रहे, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया और मुझे माफ़ करना कि हमने तुम्हें बैटल प्लान से बाहर रखा, मुझे उम्मीद है कि तुम हमें हमारे डिसीजन एक्सप्लेन करने का मौका दोगे। जेनोस कहता है, ये सब वेस्ट ऑफ टाइम है, क्या तुम्हारे पास कोई काम का इन्फो है? सिच कहता है, वेल मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि क्या तुम अपनी स्ट्रेंथ हमारे लिए यूज़ कर सकते हो इस बैटल में? तभी पास दिखाते हैं जब जेनोस सबको अपनी बैक पे कैरी कर रहा होता है। वो ड्राइव नाइट से बोलता है, क्या तुम श्योर हो कि तुम्हें बाकियों की तरह मेरी पीठ पे आने की ज़रूरत नहीं? ड्राइव नाइट कहता है, हाँ मैं खुद से वापस चला जाऊँगा, मैं इन घायल हीरोज़ को तुम्हारे भरोसे छोड़ता हूँ। जेनोस कहता है, ये मॉन्स्टर अभी भी साथ ले रहा है, साइड हटो, मैं इसे फिनिश करता हूँ। ड्राइव नाइट कहता है, नहीं रुको, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जेनोस कहता है, तुम इसके साथ करने के हवाले हो? ड्राइव नाइट कहता है, तुम समझ रहे हो है ना, अगर हमें और भी ताकतवर बनना है तो हमें अननोन लाइफ फॉर्म्स पे रिसर्च करनी होगी और रिसर्च से सीखना होगा। नयान धीरे से बोल रहा होता है, ऐसा कैसे हो सकता है, अगर मुझे पहले से पता होता तो मैं कभी फाइट नहीं करता। यहाँ एक ऐसा बंदा है जो एक पंच में मॉन्स्टर्स को हरा देता है और एक ऐसा बंदा जो मॉन्स्टर को रिसर्च सब्जेक्ट बना रहा है। ये सुन जेनोस अपने मन में कहता है, मास्टर साइतामा ने बैटल ज्वाइन कर ली है। फिर हमें वापस प्रेजेंट दिखाया जाता है। जेनोस सिच से कहता है, मैं बैटल ज्वाइन करने जा रहा हूँ इवन अगर तुम बोलते भी नहीं। सेकिंगर कहता है, इस मिशन में हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी वगानमा को सेफ्टी के साथ हेडक्वार्टर्स पहुँचाना है, मैं चाहूँगा कि डीमन साइबॉर्ग वगानमा को एस्कॉर्ट करें। फुतोशी कहता है, अच्छा आइडिया लगता है, पर मैं चाहूँगा कि डीमन साइबॉर्ग क्लासेस हीरोज़ की मदद करने जाएं और आप ये काम मुझ पर छोड़ दें, कुछ मॉन्स्टर्स पे साइकिक पावर्स भी काम नहीं करती तो मुझे यकीन है रेड टीम स्ट्रगल कर रही होगी, इवन टोर्नेडो जो अनबीटेबल लगती है। सेकिंगर कहता है, पर फिर वगानमा को एस्कॉर्ट कौन करेगा, सरफेस टीम के सारे हीरोज घायल हैं। जेनोस फुतोशी से कहता है, वैसे मुझे कोई दिक्कत नहीं, पर क्या हम ये काम तुम पे छोड़ सकते हैं? फुतोशी कहता है, मेरी बॉडी स्पेशल है जो इंस्टेंटली न्यूट्रिएंट को फैट में टर्न कर सकती है और फैट बर्न होता रहेगा, जब मेरा मेटाबॉलिज्म बढ़ता है तो मेरे वाउंड्स जल्दी हील होते हैं, मेरा फैट अभी भी बर्न हो सकता है। फिर सेकिंगर जेनोस को कुछ देते हुए कहता है, डीमन साइबॉर्ग के लो, ये इंटेल है ड्राइव नाइट द्वारा कलेक्ट की गई दुश्मनों के फोर्सेस के बारे में। जेनोस वो ले कहता है, इन्फॉर्मेशन के लिए थैंक्स। फिर जेनोस मॉन्स्टर एसोसिएशन की ओर चल देता है।